अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ अल्लाह से मुतालिक बहुत ही खूबसूरत अकवाल शेयर कर रही हूँ। आपको कौन सा कौल सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जब मशवरा अल्लाह से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। मुर्दा ज़मीन और मुर्दा दिलों को सिर्फ अल्लाह जिंदा कर सकता है, सिर्फ अल्लाह का कुरान कर सकता है। तो बजाय अपने मुर्दा दिल का डिप्रेशन लेने के, क्यों ना अल्लाह से कह दिया जाए कि आप मदद करें, मुझसे तो नहीं हो रहा तो क्या वो नहीं करेगा मदद। सातवें आसमान पर रहने वाला रब्बुल आलमीन हमारा दुख हमारे साथ रहने वालों से बेहतर जानता है। तसव्वुर तो फिर तसव्वुर है, उसके गुण से तो हकीकतें बदल जाती हैं। वक्त से हारते वो हैं जिन्हें अल्लाह पर भरोसा ना हो। लोग हजार मिन्नतों के बाद भी नहीं मानते और मेरा रब एक सजदे में मान जाता है। रब से मांगने की आदत बना लो, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उदासियां इंसान पर तभी हावी हो जाती हैं जब वो अल्लाह को छोड़कर बंदों की इबादत करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी का हर फैसला अपने रब पर छोड़ दिया है, बेशक मेरा रब मुझे मायूस नहीं करता। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है ना जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। एक अलग सा सुकून मिलता है जब अल्लाह के खौफ से अस्तग़फ़ार के आंसू आंखों से निकल आते हैं। अल्लाह के हर फैसले में हमारी बेहतरी होती है, इसलिए शिकवा नहीं शुक्र अदा किया करें। आधे से ज़्यादा काम तो उस वक्त ही हो जाते हैं जब आप कहते हैं या अल्लाह मदद। जब सुकून की तलब सताया करे तब लोगों को नहीं अल्लाह को याद किया करो। इंसान गैबी नुसरतें और मदद तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके दिल में गैरों की हिदायत की तमन्ना ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का इरशाद पाक है, हर बंदे को अल्लाह ताला का पैगाम है कि ऐ इब्ने आदम, तू मेरे ज़रूरतमंद बंदों पर अपनी कमाई खर्च कर, मैं अपने ख़जाने से तुझको देता रहूँगा। अल्लाह छोटी तकलीफ देकर इंसान को बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है। वो बड़ा गफूर रहीम है, उसकी हिकमतें इंसान की समझ से बालातर हैं। उस देने वाले का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, ये तो लेने वाले ही दरवाज़ा खटखटाना भूल जाते हैं। इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की रहमत की दुकान ऐसी है जहाँ खरीदारी के लिए अगर जेब में कोई नेकी नहीं तो आप हाथों पे चंद आंसू रखकर
जो चाहे ले ले। इंसान को अल्लाह कभी याद आए या ना आए, लेकिन दो मौक़ों पर ज़रूर याद आता है, जब वो उसको कुछ देता है और जब वो उससे कुछ छीन लेता है। अगर लोगों की मदद करना तुम्हारी तरजीह है तो याद रखो, अल्लाह पाक तुम्हें कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। अल्लाह जब किसी की मदद करने पर आता है ना, तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। अल्लाह की मोहब्बत की इससे भरकर और क्या दलील चाहिए, कितने गुनाहों के बाद भी वो हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। जब आपको महसूस होने लगे कि सब रास्ते बंद हैं, तो अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़ो, बेशक अल्लाह का रास्ता बंद नहीं होता। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, जो अल्लाह तक ले जाए वो ठोकर सजा नहीं होती। सबर और सलात में अल्लाह की मदद है। मेरी मुश्किलों से कह दो, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। उदासियां इंसान पर तभी हावी हो जाती हैं जब वो अल्लाह को छोड़कर बंदों की इबादत करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी का हर फैसला अपने रब पर छोड़ दिया है, बेशक मेरा रब मुझे मायूस नहीं करता। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जियो और अपनों का मान रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।